अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एफएक्स में जा रहे हैं कच्चे की जाने देहात में सफ़र करने के लिए। एफएक्स पर 1.5 लाख की गाड़ी में मसूद भाई के साथ देखें, हमारे साथ मसूद भाई जा रहे हैं जो कि फास्ट ड्राइव ले रहे हैं और बच्चे भी हमारे साथ हैं। बच्चों आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं बताओ? कहाँ जा रहे हैं? देहात की जानब हम जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, देखें हर तरफ हरियाली हरियाली है और खेत भी आपको नज़र आ रहे होंगे। हमारे भाई पहली दफ़ा ड्राइव ले रहे हैं, देखते हैं कि इनकी ड्राइविंग कैसी है। और बच्चे बताओ भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? यस। पहली बार गाड़ी में बैठे हो? यस। या पहले सफ़र किया आपने? पहले सफ़र किया। ये आपने? चलो फिर हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं देहात का सफ़र, कि देहात की ज़िंदगी कैसी है। ज़बरदस्त, हमारे ड्राइवर भाई काफ़ी अच्छे बाद गाड़ी न्यू ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल भी पैदा आ रही हैं इनको। और हम आपको आगे दिखाते हैं कि आगे हमारा ना देहात में कैसा सफ़र गुजरेगा। मुख्तलिफ चीज़ें देहात में आपको नज़र आएंगी। देहात ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी होती है, जिसमें ना लोग बहुत इंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को। यहाँ पे पैसे की कोई टेंशन नहीं होती, इंसान के पास जो भी होता है उसी में अपनी ज़िंदगी को बसर करता है और ये ना सुकून से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। क्योंकि शहर में हमारा ये होता है कि हम सुबह को हम ये सोचते हैं कि यार हमने ना रोज़ी कमानी है, रोज़ी रोटी करनी है। देहात में सच है कोई ऐसा सीन नहीं होता, लोग ना अपने घर में खेती बाड़ी करते हैं और अपना ज़रिया माश अपनाते हैं और अपना घर को अच्छे तरीके से चलाते हैं। देखें हम अपना देहात में हम लोग आ गए हैं, देहात में जा रहे हैं हम लोग, देखें ज़रा ये हर तरफ हरियाली, आपको खेत नज़र आ रहे होंगे, मेरे पीछे भी देखते होंगे आपके क्या आपको खेत वगैरह नज़र आ रहे होंगे। मसूद भाई ने ये गाड़ी 1.5 लाख रुपये की एफएक्स ली है जो कि इनको इनके दोस्त ने तोहफा लिया है और हम ना एफएक्स में आज शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा व्लॉग इंतहाई शानदार होने वाला है। मसूद भाई की मुस्कुराहट से आपको नज़र आ रहा होगा कि वो गाड़ी लेके कितने खुश हैं। आइए चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि गांव में और हम आपको क्या खूबसूरत चीज़ें दिखाते हैं। ये देखें हरियाली नज़र आ रही होगी आपको हर तरफ से। बच्चे कैसे लग रहे हैं आपको? बच्चे देखें बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं, पीछे बड़े इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, मज़े से बैठे हैं गाड़ी में, हवा ताज़ा फ्रेश हवा के मज़े ले रहे हैं। और ये देखें खेत भी शुरू हो गए हमारे साथ, ये हमें गन्ना नज़र आ रहा है। गन्ने की फसल हमारे शहर में बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही तसली बख्श मुनाफे बख्श फसल होती है। और अब हम ना बकरी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि आगे ईद आने वाली है और ईद के लिए कुर्बानी करेंगे और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करेंगे। ये देखें आपको पीछे से जानवर वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे, खेत छत नज़र आ रहे हैं और हम ना आगे जाने जा रहे हैं। मसूद भाई बड़े खुश पुरानंदाज से सुकून से जा रहे हैं पहली ड्राइव लेते हुए। मसूद भाई, मसूद भाई कैसा लग रहा है आपको? ये देखें ये बड़ी चाहती, देखें ना अल्लाह पाक ने एक मजदूर पेशा अफराद को भी अल्लाह पाक ने गाड़ी से नवाजा है। देखें कितने खुश हैं हमारे भाई और बड़ी तसल्ली से अपनी गाड़ी को चला के सुकून से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। और आप बड़ी खुश होंगे देख के, देखें कि एक गरीब मजदूर इंसान मजदूरी करके भी गाड़ी ले सकता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर सकता है। हमारे हुक्मरान तो नहीं चाहते कि गरीब आदमी भी गाड़ी ले, लेकिन अल्लाह पाक का फिर भी करम है कि एक गरीब मजदूर आदमी भी मेहनत करके गाड़ी ले सकता है। आपको हमारे पीछे देखें ज़रा खेत वगैरह नज़र आ रहे होंगे और गाँव में लोग इंजॉय कर रहे होंगे और हम आपको आगे मज़ीद दिखाएँगे आगे जा के। ये देखें बकरियाँ नज़र आ रही हैं आपके, ये देखें लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं शाम का ना। हम आगे की जानब बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की जानब, अब हम ना दरिया सिंध की जानब जा रहे हैं जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि पानी किस तरह से होते हैं और देहात की प्योर ज़िंदगी के बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चे कैसा लग रहा है आपको? देखें बच्चे बड़े ही पुरजोश हैं और सफ़र को इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें ये शरारती बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम आगे की जानब बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की जानब, मंजिल की जानब। देखें गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि सूरज अपने पूरे जोश और तौब से चल रहा है और हमारे आगे जानवर आने वाले हैं। हम आपको आगे चीज़ें दिखा रहे हैं, ये देखें आगे जानवर आने वाले हैं, हम आपको अभी जानवर भी दिखाएँगे। हमारे आगे जानवर आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं और हम अपने सफ़र को रवान दवा करते हैं और आगे की जानब बढ़ रही हैं। हमारी साइड से आप देख रहे होंगे जानवर नज़र आ रहे हैं, ये देखें जानवर जा रहे हैं, ये गरीब पेशा अफराद अपने जानवरों को अपने घर लिए जा रहे हैं, गरीब मजदूर अफराद आपके सामने
और हमारी गाड़ी को भी शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं ये जानवर, जिस अंदाज से ये जा रहे हैं ना, देखें आपके सामने बच्चे भी बड़े पुरजोश बैठे हैं जानवरों को देख रहे हैं। बड़ा ही एक दिलकश सफर हमारा जारी और सारी है। ये देखें नाज़रीन जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे, हमारे साथ जानवर हैं। अब हम अपने सफ़र की जानेब आगे बढ़ रहे हैं और अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। और गाँव के लिए देखें हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखें ये गन्ने की फसल आपको नज़र आ रही होगी और हमारा आगे का सफ़र रवा दवा है। अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं हम लोग। जीप कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? हाँ, ये अपने बाबा की गाड़ी पे देखें, पहली बार एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं देहात की ज़िंदगी में। अब्दुल राफे देखें, बड़ा शैतान बच्चा है ये, आपको नज़र आ रहा होगा। राफे कैसा लग रहा है? ये देखें गरीब मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहे होंगे। और हम एक और पानी की जानेब बढ़ रहे हैं, दरिया सिंध की जानेब। थोड़ी देर दूर हमसे थोड़ी दूर बाद दरिया आने वाले हैं, दरिया सिंध जिसे हम कहते हैं। और देहात का सफ़र एक बहुत ही दिलकश सफ़र हसीन सफ़र होता है जिसमें बहुत ही बंदे को इंजॉय करते हैं। वो देखें कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया था, कुत्ते से जान छुड़वा के हम आगे जा रहे हैं और अपने सफ़र को रवा दवा है हम लोग। डॉगी कुत्ता जिसे बोलते हैं हम ना, हम आगे अब सुध भी कहाँ जा रहे हैं हम लोग, आप आगे चांडिया की बस्ती, चांडिया बस्ती जा रहे हैं। अब हम ना प्योर देहात की ज़िंदगी आपको दिखा रहे हैं। ये देखें एफएक्स में देहात की ज़िंदगी का लुत्फानंदोज़ होते हुए ये देखें हम लोग आगे जा रहे हैं। बगैर एसी वाली गाड़ी में भी हम आज सफ़र करके देख रहे हैं कि इस गाड़ी की मुश्किलात क्या हैं और एक गरीब आदमी किस मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। और हम देखें आगे की जानेब हम जा रहे हैं, आपको दिखा रहे होंगे। ये देखें आप रात का एक सफ़र देखें, सूरज भी नज़र आ रहा होगा आपको। और हम लोग अपने सफ़र की जानेब आगे बढ़ रहे हैं, आगे ट्रैफिक भी आने वाली है। हमारे ड्राइवर नए हैं, हम आपको दिखाएँगे कि हमारे ड्राइवर किस तरह से अपनी मुश्किल पर काबू पाते हैं और इस चीज़ को ना क्रॉस करते हैं। ज़रा देखेंगे हम, दिखाएंगे हम अपने नाज़रीन को आगे से। ये देखें आगे हमारे ट्रैक्टर आ गया हमारे आगे से, हम इसको क्रॉस करने लगे हैं। बड़ी ही शानदार महारत से हमारे ड्राइवर ने इसको क्रॉस किया है और हम आप दोबारा से आगे की जानेब बढ़ने लगे हैं। याद की जानेब हम बढ़ने लगे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है हमारे पीछे ना। आप बड़े मत देख रहे होंगे कि इधर खेत नज़र आ रहे हैं, देखो कितने प्यारे खेत हैं। ये ना गन्ने की फसल आपको नज़र आ रही है दूर दूर तक, हर जगह आपको ना बड़ा ही दिलकश नज़ारा है, पुरसकून फ़ा है। देखें हवा भी चल रही है, देखें हाथ मेरे, हवा बहुत ही ठंडी हवा लग रही है। दोनों जानेब से सेम ही नज़र है हमारा, बड़ा ही दिलकश सफ़र हमारा गुजर है। और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये देखें बच्चे के चेहरे से नज़र आ रहा होगा आपको कितना इंजॉय कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी गाड़ी के, पहली बार सफ़र करते हुए लॉन्ग ड्राइव पे देहात का सफ़र करते हुए। पहले क्योंकि शहर में तो चलाते रहते हैं लेकिन देहात में आज पहली दफ़ा हम लोग आए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं अपनी सफ़र के बारे में। देखें ज़रा बाहर हरियाली ही हरियाली है जाने। बच्चे थके तो नहीं हो आप लोग, मज़ा आ रहा है? वाह, देखें आप इनके पुरजोश बच्चे देख सकते हैं कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपना, बड़ा ही मज़ा आ रहा है बच्चों को अपने सफ़र का। अब हम लोग आगे की जानेब बढ़ रहे हैं, देखें हम ना हमारी स्पीड में भी कुछ इजाफा हो गया। ये हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और हम अपने खूबसूरत सफ़र को खूबसूरत रोड पर इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और सूरज भी अब थोड़ा सा कम होने वाला है सूरज, क्योंकि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मियों में आपको पता है कि बंदा कहीं भी बाहर आ जा नहीं सकता, इसलिए हम ठंडे टाइम को बाहर निकले हैं। और आपको देखें साइड से बड़ा एक दिलकश नज़ारा नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।